हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगास किचन में डोसा सांभर कॉम्बो रेसिपी बना रहे हैं। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पोटैटो की जो करी होती है वो बनाएंगे। एक कढ़ाई में तेल लिया, राई ली, कलौंजी और लाल मिर्च डाली, उसमें फ्राई करेंगे अच्छे से। करी लीव्स डाले और उसमें बॉईल किए हुए पोटैटोज डालेंगे। मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश करेंगे। बॉईल किए हुए हरे मटर डाले, सॉल्ट ऐड किया और हल्दी ऐड करूंगी। मिक्स करूंगी अच्छी तरह से। और इसको ढककर 10 मिनट तक पकाएंगे। ठीक है, अब सांभर रेडी करेंगे। कुकर लेंगे, उसमें अरहर की दाल वॉश की हुई और सोख की हुई, पानी ऐड करेंगे उसमें और नमक ऐड करेंगे। ढककर उसको पकाएंगे कुकर को उतनी देर तक जितनी देर तक हमारी दाल गल ना जाए। 10 मिनट लगते हैं। चॉप की हुई वेजिटेबल्स डालेंगे, टोमेटो चॉप किए हुए, सांभर मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करूंगी और पानी ऐड करेंगे उतना जितना कि दाल सब्जी हमारी गल जाए। दाल पहले से ही गली हुई है, अब सिर्फ हमको सब्जी गलानी है। ये देखिए हमारी वेजिटेबल्स अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अच्छा ध्यान रहे, सिर्फ गलानी है, मैश नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साबुत साबुत सब्जियां रहेंगी। पानी इसमें ऐड करेंगे, लाइम जूस। ठीक है, अब इसका बघार बनाएंगे। तेल लेंगे 1 टेबलस्पून, कलौंजी, राई, होल रेड बटन चिलीज और करी लीव्स। फ्राई करेंगे इसको और इसके ऊपर इसका बघार बना के डालेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त हमारा सांभर जो है वो तैयार है। अब मैं बनाऊंगी डोसा। मैं 3 तरह के डोसे बना रही हूँ। सबसे पहले 1 कप मैंने चावल लिए हैं, 1/4 कप माश की दाल और मेथी दाने 1 टेबल स्पून। इसको हम रात भर भिगोएंगे और सुबह इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए एक बोल में ट्रांसफ़र किया थोड़ा सा, उसमें 1 एग योक डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा, इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे क्योंकि बहुत थिक नहीं होना चाहिए। ये देखिए परफेक्ट एग डोसा सबसे पहले बना रहे हैं। पैन को हमने प्री हीट कर लिया है। इसको देखिए सर्कुलर मोशन में घुमाते जाएंगे हाथ को और बढ़ाते जाएंगे डोसा। और ये देखिए इस तरह बटर लगाएंगे इसके ऊपर। अच्छा, ये देखिए इंडिकेशंस ये हैं कि हमारे साइड्स जो हैं वो जैसे ही छूटने लगते हैं, तो दैट मीन्स कि हमारा डोसा जो है रेडी हो चुका है। बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है। टर्न करेंगे इसको। ये देखिए वाओ ब्यूटीफुल, देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त डोसा रेडी हुआ है। साइज देखिए कितना ज़बरदस्त है। दूसरा डोसा बनाएंगे, चीज़ डोसा। बैटर डालेंगे, हाथ को सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे और राउंड राउंड घुमाते जाएंगे। ये देखिए चीज़ डालेंगे, मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ करी है। 2 मिनट पकाएंगे और देखिए हमारा डोसा जो है वो रेडी है। कूल करेंगे, देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त डोसा है, बिल्कुल बाज़ार की तरह। ये देखिए ज़बरदस्त चीज़ डोसा हमारा रेडी हो चुका है। इन्जॉय करिए गर्मा गर्म सांभर के साथ, सब्जी के साथ। थर्ड डोसा बनाएंगे, प्लेन बटर डोसा। फैलाएंगे इसको, प्री हीट तवा है। बटर लगाएंगे इसके ऊपर, और
और उसको 2 मिनट तक पकाएंगे। देखिए ज़बरदस्त हमारा डोसा तैयार हो गया है, इसको फोल्ड करेंगे। वाओ सो ब्यूटीफुल, देखिए आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि आपने घर में डोसा बनाया, इतना ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए इतना क्रिस्पी है, ये देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त डोसा तैयार हुआ है, ये देखिए ज़बरदस्त। अच्छा आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल ज़रूर इसको ट्राई करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं फौरन सीधे आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये देखिए हमारे तीनों डोसे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं ज़बरदस्त से, ये देखिए ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छी रेसिपी है और आई थिंक सभी को पसंद होता है डोसा सांभर। हम लोग ज़रूर बाहर जाके ज़रूर खाते हैं, घर में ट्राई करेंगे। साथ में मैं चटनी बनाऊंगी कोकोनट वाली, कोकोनट ग्रेटेड कोकोनट मैंने लिया है, इसमें अदरक डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी, बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसका पेस्ट बनाऊंगी। देखिए पेस्ट हमारा तैयार है, ठीक है। इसके ऊपर बघार बनाएंगे, ऑयल लेंगे, कलौंजी, माश की दाल भीगी हुई, रेड चिली बटन और करी लीव्स, फ्राई करेंगे अच्छे से और इसको कोकोनट के पेस्ट के ऊपर डाल देंगे। ज़बरदस्त हमारा कॉम्बो तैयार है, ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए कैसी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।